पापा जी ऊपर से पत्ते तो उतार लो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू लाडा विलेज व्लॉग। अल्लाह ताला की फजल करम से मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, आमीन सुमामीन। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आए व्लॉग शुरू करते हैं। माँ कपड़े वॉश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं पढ़ रही हूँ और बाकी बहन भाई साथ काम करवा रहे हैं, पानी वगैरह भरवा रहे हैं और हुसैन गली में जाके तो बांटे खेल रहा है, इसको और कोई काम ही नहीं है। इधर देख, ये बांटे खेल रहा है गली में। हुसैन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ कंचे खेल रहे हो, चलो खेलो। इनको आज अभी छुट्टी हो गई है तो ये आ गए हैं घर और ये अब शरारते कर रहे हैं। मशीन लगाई हुई है और इतना ठंडा पानी और उसके साथ हमां कपड़े धो रही हैं। जैन कितना ठंडा पानी है, ज्यादा ठंडा है या थोड़ा सा ही ठंडा है? हमें नहीं पता, हम तो अभी मस्जिद से आए हैं। अभी मस्जिद से आए हो तो कूलर वगैरह मम्मा ने भरा है क्या आप लोगों ने? आपने भरा है? देखो क्या चलो कोई बात नहीं, आईने को पजामा तो पहना पहनने लगे हो। मम्मा कह रही थी कि आज ही धो लेती हूँ वरना कपड़े ज्यादा हो गए फिर मेरे से धुलने नहीं है। वैसे कपड़े ज्यादा हो जाए मम्मा फिर ठंडे पानी में कपड़े धोती हैं तो फिर तबीयत खराब हो जाती है। मम्मा कितने कपड़े रह गए हैं? अभी तो स्टार्ट हुए हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं। मैं तो पढ़ रही थी, मुझे पता ही नहीं, जैन ने मुझे आके बताया कि मम्मा कपड़े वॉश कर रही। अभी तो स्टार्ट हुआ। अच्छा चलो, आपको तो फिर लग जाने हैं, 12 बज जाने। 12 बजे तक फारग हो जाए। हाँ हाँ, और आगे से हफ्ता आ गया तो फिर हाँ पूरा हफ्ता हो ही गया, आगे अगले हफ्ते जाते तो फिर 2 हफ्ते कैसे धुल लेते ये कपड़े सारे। पापा के भी सारे कपड़े धुले हुए होते तो ना ही धोते है ना, धोने वाले थे पापा के भी। आमना भी देख लो बाहर चलेगी है उसके साथ, मैं उनको बुलाती हूँ। भाई हुसैन, भाई हुसैन, हुसैन भाई आमना आप लोगों को मम्मा बुला रही, मम्मा कह रही अंदर आ जाओ, अंदर आके खेल लो कंचे। अंदर आके कंचे खेल लो मम्मा कह रही है। इनको तो ना और कोई काम ही नहीं है, बस बांटे हो और हुसैन हो। चलो जी हुसैन भाई आ जाओ, वो कह रहे हैं हम आ जाते हैं, जब मम्मा से डांट पड़ी ना इन्होंने तभी बाज आने, वैसे नहीं। ताज़ा पानी तो नीम गर्म होता है, हमारे ज़मीन वाला पानी नमकीन है इसलिए वाटर सप्लाई का पानी आता है तो वो थोड़ा नीम गर्म होता है। दूसरा पानी तो एक दिन पड़ा हो ना इतना ठंडा हो जाता है कि हद से भी ज़्यादा, इससे हमें कोई फिर भी फ़ायदा हो जाता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बरामदे का तो बुरा असर हुआ हुआ है। वाइट यूनिफॉर्म, वाइट यूनिफॉर्म या वाइट कपड़े? वाइट यूनिफॉर्म होता है। अच्छा कितना बुरा असर हुआ हुआ है हमारे बरामदे का। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, सारा काम करना है अब। चलो ये भी कर ही लेते हैं, कोई नहीं इतनी टेंशन की बात है। मम्मा ने सारे कपड़े वॉश कर लिए हैं और आमना जोहर की नमाज अदा करी है, अब मैं भी जोहर की नमाज अदा करूँगी। लो जी मम्मा जी ने सारे कपड़े वॉश करके उन्हें ड्रायर करके उनको थोड़ी देर बिखेर दिया है, हल्की हल्की धूप
निकलती आ रही है। दुआ तो यही है कि निकल ही आए तो बहुत अच्छा है, हम भी थोड़ी देर धूप में बैठ जाएंगे और कपड़े भी खुश्क हो जाएंगे। जैन आप कहाँ जा रहे हो? बंटे खेलने। बंटे खेलने ये ढूंढ गए हैं? अभी बंटे चार और चाहिए। चार होर मेरे पास है ही नहीं, वरना मैं आपको दे देती। अभी है नहीं है? आप लोगों को 40 दिए, हमारे पास सिर्फ 20 है। वो सारा वो जो से वो दूसरे बंटे थे ना निशाने मारने वाले, हाँ। वो दो मेरे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे दो और 20-20 बागड़े करनी बंटे। तो वो मैं बंटे से कहाँ से लाऊं? वो नहीं है ऐसे तो मैंने नहीं दिए। दो बंटे मम्मा कहती पी है, मैं तुम 100-100 देनी है। दो बंटे दे दो बस। नहीं है दो, नहीं है अभी दो बंटे दे दो, वो कह रहा मैं नहीं फिर। नहीं मुझे नहीं पता, आप लोगों ने ज्यादा खेलना होता है, हमारा भी कोई हक है। लड़कियां भी बंटे खेलती हैं? हाँ लड़कियां भी खेलती हैं। लड़कियां क्या खेलती हैं? हम बंटे खेलती होती हैं। नहीं जी। हाँ हम खेल लेते हैं, शापर फट जाएगा फिर सारे गिर जाने। आप ही दे दो। नहीं फिर हमने चले जाना सीधा, आपको ही सारे बंटे दे देने हैं। नहीं और की जान होने वाली है। नहीं है? नहीं आप ही दे दो। नहीं तुम लोगों ने भाई लड़कों को दे आने। नहीं वादा नहीं देते, मुझे पता है ना वादे जो से तुम लोग करो। पक्का वाला करो? हाँ पक्का वाला। कितने लेने? दो दे दो। वापिस करने? हाँ। ये लो। नहीं चलो ये वापिस करने है, पक्का प्रॉमिस किया है। मैं हम सारे कर देंगे हम रे अभी। हाँ तो ये किसी लड़के को नहीं देने, चल जाओ। इनको तो बस अब एक ही काम है, मस्जिद से आए भाई बांटे खेलने चले गए। मम्मा अब भाइयों के कपड़े इस्त्री कर रही हैं जिनको मम्मा ने बटन लगा लिए हैं। पापा ने तो आज जिद कर ली कि मैंने तो मूली वाला पराठा खाना है, और अब पापा मूली कद्दूकस कर रहे हैं। पापा कह खुद खा ले कल ते मेरे वास्ते कहते जी साथी घर साडे को नहीं बने, मैं फिर मैं आपे ही कद्दूकस कर लेना मूली। देख तो बना के देखोगे? हां जी फिर हम बना देंगे। पापा मूली का दुकाश कर रहे हैं और मम्मा दूसरी हाफ मूली छील रही। लो पापा जी छीली गई वो भी। पापा के काम देख लो, पापा जी ऊपर से पत्ते तो उतार लो। फिर बच्चों ने क्या करना है जब पापा ही ऐसे कर रहे हैं? इनको साथ का दुकाश करना है। ये हमारी तकनीक है, हमको ये अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं चलो फिर। ये हमारी तकनीक है, हमको मूली के पास अच्छे लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है जी। एक मूली का कितने पराठे बन गए? बस हाँ जी एक मूली ना एक ही पराठा बनता होता है, ज्यादा नहीं बनते। बाकी किराए से कटी जाने। ये कितना सौखा काम है। ये बहुत औखा काम है जैसे पापा जी। ये जिन्ने औखे काम हो मैनू दिया करो। ए ए नाले बाहर कमाईयां करके और नाले घर दे काम करा। इधर देखें जी। ए आए आए, आए। पापा ने मूली कद्दूकस कर लिया है और अब मम्मा अंदर मिर्च वगैरह मिक्स कर रही है। पापा जी आप क्या कर रहे हो? मैं भी एक काम करता था। मुझे भी बता दो। हाँ पापा मैं सालन गरम कर रही हूँ। अच्छा जैन हुसैन के लिए मम्मा ने रोटी रोटी बना दी है, वो रोटी खाएंगे। इनको संडे वाले दिन सारा दिन छुट्टी होती है लेकिन इन्होंने मगरिब के बाद जाना होता है, तो अब
जैन सैन खाना खा रहे हैं, इन्होंने अब जाना भी है। पापा जी अभी सालन गरम हुआ नहीं है, अभी नहीं हुआ। अच्छा लो जी हम लगा मूली वाला पराठा बड़न ऐसा मैं तो अनुता नहीं देना। अच्छा ठीक है सर्दी जी, मैं पहली दफा मूली वाला पराठा खान लगा। ओए लो जी मेनू काम ते भेज के ते आप पीछे चस्के ला दे। हां पापा लग जू आई आमना आप क्या कर रहे हो अंदर? माशाल्लाह एक पराठा तवे पे आ गया, तकरीबन पकने ही वाला है, घी लग गया अब उसे, और दूसरा पराठा अब मम्मा बेलना शुरू करेंगी। और आमना इधर रो रही है, वो कह रही है मैंने पंजो वाले सालन के साथ रोटी नहीं खानी, मुझे और कुछ दो। मैं कहती हूँ और मैं तुम्हें क्या दूँ जिसके साथ तुमने रोटी खानी? अब उसकी पूरी रोटी पड़ी है, वो इसी जिद पे रोटी नहीं खा रही, मैंने रोटी नहीं खानी और सालन गरम किया पर नहीं खानी, कह रही है मैंने नहीं खानी तो नहीं खानी, पंजे वाले सालन साथ नहीं खानी रोटी। वो सिर्फ मैं गोश्त खाती नहीं है ना, तो मम्मा कह रही अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं रोटी बना लूँ फिर मैं आपको पूछती हूँ क्यों नहीं रोटी खानी। जाने क्या मम्मा लो जी पापा जी आके बैठ गए पराठा खाने। पापा जी आप अब आपको भूख लगी है? मुझे बहुत भूख लगी, सुबह का मैंने नाश्ता किया। हाँ उधर देखो पापा आयत को देखो। आयत भी आके बैठ गई। आपने एक तो ना प्लेट या कोली भी लेके आना सालन पापा। आयत देखे क्या कर रही है गंदे काम। उसने अब नाराज हो गई थी तो अब उसने अपनी मर्जी करनी थी। लो जी आमना गुड़ ले आई है। आए तो बातें भी करती है। ये बड़ी चलाक है भाई। वो शाम टाइम कहते जैसे गोल्डन रोटी खान लगे। नहीं तेरे वांगू आंदे च भी सबर नहीं है, उसे कह रही है तेरे च सबर नहीं है। आयत को भी मीठा बड़ा पसंद है। वाह भाई वाह कैसा बना पराठा पापा जी, मुझे होगी। एक मिनट पापा कह रहे हैं एक मिनट, एक बारी फिर मोजे बनाते हैं। अजय कोई समझ नहीं आ रही कैसा बना। अजय कोई समझ नहीं आ रही। आप ना गुड़ साथ रोटी खा रही हो, आप ना मारेंगी मम्मा। अद्दा खा के फिर गुस्सा। लो जी हुसैन कपड़े पहन के आ गया बाहर। पापा जी अब तो बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता, दो मिनट पापा से भी बैठ के बातें कर ले। आज तो काम कर करके ना बस हम सारे बहुत ज्यादा थक गए हैं, हालांकि काम सारा मम्मा ने किया है और मैंने हल्की हल्की हेल्प कराई है फिर भी, तो अब तो दिल कर रहा है बस जाके आराम से रजाई में लेट जाए, कोई हलाए तक ना। तो बाकी कपड़े सारे उतार नहीं है, ये भी नहीं सूखे, मैं कहती इन्हें थोड़ी देर पड़े रहे तो हवाला अगले। तो जी प्यारे व्यूअर्स आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आमीन सुमामीन अल्लाह।